जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के भारत की 140 करोड़ की आबादी, जब भारत के सुश्री नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव से आगे बढ़ना चाहिए। और ये पुलिस के लिए तो खासतौर पर भगवान कृष्ण की ये दोनों प्रेरणाएं कि कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाचना, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म की जिस प्रेरणा को उन्होंने दिया था, वह भी प्रेरणादायी है ही, हर नागरिक के लिए है ही। लेकिन साथ साथ परित्राणाय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम के भाव के साथ सज्जनों की परित्राण, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जहां कार्य करेंगे, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के खिलाफ उतनी ही कठोरता के साथ कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस ने भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों को अंगीकार करते आज उत्तर प्रदेश के प्रसिप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इसी का परिणाम है, एक वर्ष में 31 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर उभरता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगतिवादी करने वाले राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। ये इन्हीं ईश्वरीय अवतारों की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। और वही प्रेरणा है जिसके कारण 500 वर्ष पहले अयोध्या में कभी किसी कालखंड में अगर किसी ने हमारे सनातन को अपमानित करने का प्रयास किया होगा, फिर से सनातन खड़ा हुआ तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन भावों को अंगीकार करें, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं। मानवता के कल्याण के मार्ग में जहां कहीं कोई बाधा हो, कोई बैरियर हो, उसको हटाने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की परंपरा हम सबको सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ जुड़ती है। उस सकारात्मक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।